हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ, आपका दोस्त चंद्रकांत कोटेचा। आज फिर हम अलंकार के बारे में बात करेंगे, एक और एपिसोड अलंकार का। इस बार हम तीन ताल में अलंकार लेंगे ताकि ज़्यादातर बंदिश बजाते वक्त आखिर में हम जब जोड़ जाला करते हैं तो उसमें ये अलंकार बहुत ही काम आएगा। ये अलंकार भी फिर से एक ही स्वर वाले हैं लेकिन बीच में डैश लगा के हम इसको बजाते हैं, और ये अलंकार खास करके जोड़ जाला में बहुत ही उपयोगी है, और ये तीन ताल में इसलिए बजाना भी बहुत ईजी है, और भी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में भी आप बजा पाएंगे। इसलिए हम उसकी शुरुआत तीन ताल में 220 बीट्स पर मिनट के टेम्पो से मैं आपको सिखा रहा हूँ, बाद में मैं 320 BPM पर बजा के दिखाऊँगा ताकि आप भी इसको कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से आप बजा पाएँ। बहुत इंटरेस्टिंग अलंकार है, आप जरूर से करिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं ये 15वां नंबर का अलंकार है, ये है सा 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 सा। तो सा डैश सा डैश सा डैश सा सा, मतलब 8 बीट हो गए। सा 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 रे 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 गा 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 मा। इसको हम Thank you.
ज़्यादा हमने 320 बीट्स पर मिनट की स्पीड में तीन ताल में बजाया। ये एक्सप्लेनेशन के लिए था, अगर आप चाहें तो थोड़ा और भी स्पीड बढ़ा के इसको बजा सकते हैं, तीन ताल में आपको ज़रा भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा और थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ये सब आ जाएगा। आप चाहें तो इसको प से प से प दो सप्तक में बजा सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इस तरह से प से प और भी ऊपर का प दो सप्तक पूरा बजाने से और भी आपकी फिंगरिंग की एक्सरसाइज बढ़िया हो जाएगी। जब आपको लगता है कि आपका ताल बहुत कच्चा है, ताल में ज़्यादा समझ नहीं आ रही है, तो इस अलंकार को पहले स्लोली, बाद में थोड़ा और लय बढ़ा के, बाद में थोड़ा और लय बढ़ा के, और फिर बाद में एकदम एक्सट्रीम लय में आप ये अलंकार बजाएंगे तो आपकी जो ताल की समझ है एकदम पक्की हो जाएगी। और जब बंदिश के साथ आप जोड़ जाला करेंगे तो एकदम एक्सलेंट लगेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी अलंकार है, बहुत कम लोग ये सिखाते हैं, मैंने आपको आज बताया है। मैं मानता हूँ आपको पसंद आया होगा और आप इसको ज़रूर करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी कर दीजिए ताकि आपको और ऐसे ट्यूटोरियल्स के एपिसोड मिलते रहें। मैं